हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशंस की सौजन्य से कौन सा पाठ, पाठ 3, जिसका शीर्षक है गड़ा खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं गड़ा खजाना। बच्चों, उपर्युक्त चित्रों में दिखाया गया है कि मनुष्य मेहनत करके अपनी जीविका चलाता है। ये देखो मनुष्य जो है कितनी मेहनत करते हैं ना, हम सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस चित्र में आप देखिए एक मजदूर है जो कि क्या कर रहा है, ये देखिए एक दीवार बना रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और दूसरे में देखिए किसान है जो कि हल जोत रहा है, किसान खेत में हल जोत रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो क्या आपके घर के आसपास भी ऐसे ही मेहनती लोग रहते हैं? वो किस प्रकार का कार्य करते हैं? आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी भी मेहनत करते हैं। बताओ आपके परिवार के सदस्य किस प्रकार का कार्य करते हैं? आप देखते हैं ना अपने मम्मी पापा को, अपने दादी बाबा को, सब लोग कितना काम करते हैं। जैसे मम्मी सारा टाइम रसोई में रहती है, खाना बनाती है, घर साफ करती है, पूरा दिन भर के कार्य करती हैं, आपके आपको पढ़ाती भी होंगी, आपके कपड़े भी धोती हैं, कितना मेहनत करती हैं। ऐसे ही दादी भी माँ के साथ कितना सारा काम करती है। दादाजी भी आपके लिए सब्जी घर से सब्जी लेके आते होंगे, बाजार से आपको स्कूल छोड़ने जाते होंगे। पापा भी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं। तो सभी लोग, हमारे घर के लोग भी इस तरह से मेहनत करते हैं ना। तो आइए अब देखते हैं इस पाठ में क्या है। पाठ में एक किसान और उसके 3 आलसी बेटों के बारे में बताया गया है, लेकिन बाद में पिता की सीख के अनुसार कार्य करने पर वे आलस को त्याग कर परिश्रमी हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक बूढ़ा किसान था, उसके 3 बेटे थे, तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे। हट्टे कट्टे मतलब बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थे, पर वे बहुत ही आलसी थे। पिता की कमाई उड़ाने में उन्हें बहुत बड़ा मजा आता था, मेहनत करके पैसे कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मतलब उनको लगता था कि बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाए, कुछ काम ना करना पड़े, मतलब वो इतने आलसी थे। चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये पिता है और ये इनके 3 बेटे हैं जो कि एक नंबर के बहुत आलसी थे। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए मैंने खेत में छोटा मोटा खजाना गाड़ के रखा है, तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लो। दूसरे दिन बहुत सवेरे उस किसान के 3 लड़के कुदालियां लेकर खेत में पहुंच गए। कुदालियां क्या होता है, जिससे खेत को ऐसे 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 करके खोदा जाता है, और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, उन्होंने खेत की एक एक इंच जमीन खोद डाली, पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला किंतु हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला। किसान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है, अब मेरे साथ आओ हम इसकी बुआई करें। मतलब अब हम इसमें जो है बीज को बो दे, हम बीजों को डालेंगे, उसे क्या बोलते हैं, बुआई करना। बाप बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई करी। संयोग से उस वर्ष बारिश भी जो थी बरसात भी समय पर हुई और बहुत अच्छी, खूब खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई। फसल पक जाने पर खेत की शोभा देखते ही बनती थी। मतलब फसल इतनी अच्छी हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत करके खुदाई की थी, उसके बच्चों ने, लड़कों ने, उन्होंने बुआई भी करी और उस साल बारिश वर्षा जो थी बहुत अच्छी हुई, ये देखिए, और खेत की फसल पक गई और खेत की शोभा देखते ही बनती थी। देखो कितने सुंदर खेत, ये फसल देखो कितनी अच्छी हो गई उनकी। यहाँ 3 बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। किसान ने कहा, वाह क्या खूब फसल हुई है, यही है वह खजाना जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। अगर तुम लोग किसी तरह से कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ऐसा ही खजाना हर वर्ष मिलता रहेगा। तो बच्चों, आपने भी सीखा मेहनत करने से, परिश्रम करने से कितना अच्छा, कितना मीठा फल मिलता है,
उन्होंने, उनके तीनों लड़कों ने मेहनत करी तो उनके घर की, उनके खेत की फसल भी कितनी अच्छी हुई। तो यही था उनका असली खजाना। और अब हम करते हैं कठिन शब्द, जबान, खजाना, बुआई, हट्टे कट्टे, कुदाली, संयोग, कमाई, खुदाई, पैदावार, आलसी, निराश, गर्व, मेहनत और अंत। हट्टे कट्टे का अर्थ स्वस्थ या तंदुरुस्त, उदालिया का अर्थ है मिट्टी खोदने का एक औजार, निराश का अर्थ है दुखी, संयोग मतलब अच्छा योग, और गर्व, गर्व का अर्थ है घमंड। ठीक। और अब हम पूछते हैं किसान, उन्होंने पूछा है हमसे किसान के कितने लड़के थे, बच्चों किसान के कितने लड़के थे, किसान के तीन लड़के थे। किसान के लड़कों को क्या करने में मजा आता था? किसान के लड़कों को बिल्कुल आलसी थे और उन्हें अपने पिता की कमाई को उड़ाने में मजा आता था। लड़कों ने खेत के कितने इंच खुदाई करी? लड़कों ने खेत के एक एक इंच की खुदाई करी। उन्होंने खजाना मिलने के लालच में उन्होंने खेत का एक एक इंच जो था वो खोदा था। और अब हमें क्या करना है? हमें करना है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो किसान ने किसे बुलाया? अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटों को या अपनी पुत्री को? किसान ने अपने बेटों को बुलाया, तो इसके आगे मैंने सही का निशान लगा दिया। तीनों बेटे थे, कैसे थे? आलसी, परिश्रमी, मूर्ख या बुद्धू? तीनों बेटे थे आलसी, वो आलस करते थे। लड़कों ने खोद डाला, क्या खोदा? पहाड़, कुआं, खेत या तालाब? लड़कों ने खेत खोद डाला। हमने खेत के आगे क्या कर दिया? हमने खेत के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हमें पूछना है किसने कहा और किससे कहा। हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला, किसने कहा? तीनों लड़कों ने। क्यों कहा? क्योंकि वो खजाना ढूंढने गए थे। खजाना ढूंढने गए थे, वो खजाना ढूंढने गए थे ना, उनको खजाना नहीं मिला, तो इसीलिए उन्होंने कहा हमें खजाना नहीं मिला। किससे कहा? पिता से। किससे कहा? अपने पिता से कहा। यही है वह खजाना, यही है वह खजाना। किसने कहा? पिता ने कहा। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि जो उन्होंने बच्चों ने मेहनत करी थी तो इसलिए कहा। क्योंकि ये उनकी मेहनत का फल था, क्योंकि यह उनकी मेहनत। किससे कहा? अपने, किससे कहा? अपने तीनों लड़कों से कहा। ठीक। तो हमारा ये हो गया। और अब हमें क्या करना है? हमें सही जोड़े बनाना है। तीनों ही जवान कैसे थे? खजाना, गर्व और हट्टे कट्टे थे। तो हमने मिला दिया, तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे। दूसरा है पिता की कमाई। खजाना नहीं मिला, गर्व से या उड़ाने में उन्हें बड़ा मजा आता था, तो पिता की कमाई इसको हमने मिला दिया, उड़ाने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उन्हें कहीं भी क्या है? खजाना नहीं मिला, इससे हमने मेल कर दिया। और तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई, इसको हमने मेल कर दिया, इससे मिला। तो हमने ये सही जोड़े बना दिए। तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे,
पिता की कमाई उड़ाने में उन्हें बड़ा मजा आता था, उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला और तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। ये हमने इसके सही जोड़े बनाए। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है वाक्यों के सामने हमें सही या गलत का निशान लगाना है। जो सही है हमें उसे सही करना है। जैसे किसान के बेटे बहुत मेहनती थे, जी नहीं, किसान के बेटे बाद में हुए, पहले किसान के बेटे बहुत आलसी थे, तो इसके साथ हमने गलत का निशान लगा दिया। किसान ने वास्तव में खेत में खजाना छुपा रखा था, जी नहीं, किसान ने कोई खजाना खेत में नहीं छुपाया था, तो ये भी हमारा गलत है। किसान के तीन पुत्र थे, जी हाँ, किसान के तीन पुत्र थे, सही है। किसान ने फसल को ही खजाना बताया, जी हाँ, किसान ने अपने फसल को ही खजाना बताया, तो ये सही है। और अब हमसे पूछा है प्रश्न, किसान के लड़के कैसे थे, किसान के लड़के बहुत आलसी थे, किसान ने लड़कों को बुलाकर क्या कहा, किसान ने लड़कों को बुलाकर कहा कि मैंने खेत में बहुत सारा खजाना, मैंने खेत में थोड़ा बहुत खजाना गाड़ के रखा हुआ है। खजाना पाने के लिए लड़कों ने क्या किया, खजाना पाने के लिए लड़कों ने पूरे खेत की एक एक इंच खेत की खुदाई कर दी। वह कौन सा खजाना था जो लड़कों को मिला, परिश्रम का खजाना, रहता परिश्रम का खजाना, जो उन्होंने परिश्रम किया जिससे उनकी फसल जो थी खेत की फसल बहुत अच्छी हुई, यही उनका एक लड़कों को खजाना मिला अपनी लहलाती फसल का। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से बच्चों में शिक्षा मिलती है हमें कभी भी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर हम परिश्रम करेंगे उसका फल बहुत ही मीठा होता है। जैसे ही जैसे कि किसान के तीनों बच्चों ने, तीनों लड़कों ने बहुत मेहनत की थी और उसका फल बहुत ही उन्हें मीठा था। आशा करती हूँ कि इस पाठ से आपने भी कुछ शिक्षा ग्रहण की होगी। इसके साथ हमारा पाठ यही समाप्त होता है, बहुत जल्दी आते हैं आपके समक्ष नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।